y इक्वल टू टेन पाई एक्स अपॉन फोर रेज टू पावर फोर अपॉन पाई एक्स फाइंड dy अपॉन dx एट x इक्वल टू वन। x इक्वल टू वन पे हमें dy अपॉन dx को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर फंक्शन की पावर है, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल पे वेरिएबल की पावर है तो लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। दिस इज लॉग बाय इक्वल टू लॉग टेन पाई एक्स अपॉन फोर फोर अपॉन पाई एक्स। So this is log y equal to 4 upon pi x log 10 pi x upon 4. Differentiating with respect to x. अब हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो दिस इज 1 अपॉन y dy अपॉन dx होगा। ये दो फंक्शन होंगे, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन 4 pi x, सेकेंड फंक्शन का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे लॉग 10 पाई एक्स अपॉन 4 प्लस लॉग 10 पाई एक्स अपॉन 4। अब डी अपॉन डी एक्स 4 अपॉन पाई एक्स, ओके। दिस इज 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4 अपॉन पाई एक्स। लॉग 10 पाई एक्स अपॉन फोर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टेन के नीचे आएगा, टेन पाई एक्स अपॉन फोर कहां पर आएगा, नीचे आएगा। फिर हम टेन पाई एक्स अपॉन फोर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो सेक स्क्वायर पाई एक्स अपॉन फोर होगा, फिर पाई एक्स अपॉन फोर का करेंगे तो इंटू पाई अपॉन फोर होगा प्लस लॉग टेन पाई एक्स अपॉन फोर जब करता हूं इसका करेंगे तो क्या आएगा, माइनस फोर अपॉन पाई वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके। डी अपॉन डी एक्स वन अपॉन एक्स क्या होता है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, ओके। अब डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा बाय, बाय की जगह हम यही वैल्यू रखेंगे, दिस इज 10 पाई एक्स अपॉन 4 4 अपॉन पाई एक्स। इस बाई को हम इस तरफ ले रहे हैं, बाई की जगह वैल्यू रखेंगे, ओके। अब इसको हम ऐसे लिखा लेने दें, दिस इज 4 अपॉन पाई एक्स, दिस इज सेक स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 4 अपॉन 10 पाई एक्स अपॉन 4 इंटू पाई बाई 4 माइनस 4 अपॉन पाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग 10 पाई एक्स अपॉन 4, ओके। अब हमें क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 चाहिए है, तो पुट एक्स इक्वल टू 1, एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, पुट एक्स इक्वल टू 1। तो इस पूरे में एक्स की जगह हमने 1 रखा, इधर x की जगह 1 रखेंगे तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये 4 अपॉन पाई 1 पर 4 अपॉन पाई की पावर देंगे तो वो 1 ही आएगा, dy अपॉन dx भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो 4 अपॉन पाई ही बचेगा, इसमें हमने 1 रखा तो 4 अपॉन पाई चलो रखते जाते हैं, हटाओ इसमें भी रख लेते हैं, इस दिस इज पाई अपॉन 4, दिस इज 4 अपॉन पाई, ओके। सेक स्क्वायर इसमें बन रखेंगे तो सेक स्क्वायर पाई बाई फोर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर पाई बाई फोर हो जाएगा, दिस इज टेन पाई बाई फोर हो जाएगा बन रखेंगे तो इंटू पाई बाई फोर, अब पाई बाई फोर से कैंसिल हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, माइनस फोर अपॉन पाई यहां पर बन रखेंगे तो वन अपॉन वन स्क्वायर लॉग टेन एक्स की जगह बन रखेंगे तो पाई बाई फोर हो जाएगा, ओके। Understood? Now, dy upon dx
ये वन बचेगा, टेन पाई बाई फोर कितना होता है, टेन पाई बाई फोर वन होता है, वन पे कोई भी पावर देंगे तो वन ही आएगा, दिस इज वन। सेक स्क्वायर पाई, सेक पाई बाई फोर कितना होता है, सेक पाई बाई फोर रूट टू होता है, तो रूट टू का स्क्वायर। टेन पाई बाई फोर कितना होता है, वन होता है, ओके। माइनस फोर अपॉन पाई लॉग टेन, टेन पाई बाई फोर वन होता है, कितना होता है वन, टेन पाई बाई फोर वन होता है, तो हम इधर डायरेक्ट वन लिखते हैं। अब लॉग वन कितना होता है, लॉग वन जीरो होता है, दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू टू, माइनस फोर अपॉन पाई इंटू जीरो हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा अपना टू आंसर आ जाएगा, ओके अंडरस्टूड। देखो इसको हमने क्या किया, सबसे पहले लॉग लिया, क्यों क्यों लॉग लिया, क्योंकि फंक्शन पे फंक्शन की पावर है या वेरिएबल पे वेरिएबल की पावर है, तो हमें लॉग लेना ही पड़ेगा, दोनों तरफ लॉग लिया, लॉग वाई लॉग लगा दिया दोनों तरफ, फिर इस पावर जो है वो सामने आ जाएगी, तो फोर अपॉन पाई एक्स लॉग टेन पाई एक्स अपॉन फोर हो जाएगा। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, प्रोडक्ट फॉर्म लगेगा, दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस वन इज सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को जो करता हूँ लिखा डी अपॉन डी एक्स सेकेंड फंक्शन, प्लस सेकेंड फंक्शन को जो करता हूँ डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, दिस इज फोर अपॉन पाई। अब लॉग के साथ जो भी लगा हो वो डिफ्रेंशिएशन में नीचे आता है, तो वन अपॉन टेन पाई एक्स अपॉन फोर, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो सेक स्क्वायर पाई एक्स अपॉन फोर इंटू पाई अपॉन फोर होगा, प्लस लॉग टेन पाई एक्स अपॉन फोर। अब वन अपॉन एक्स फोर अपॉन पाई कॉमन निकल जाएगा, वन अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस वन अपॉन एक्स होता है, याद रखना आप लोग, डी अपॉन डी एक्स वन अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, सिर्फ फार्मूला जैसा यूज करेंगे हम, ओके तैयार किया। अब इसमें हमने x की जगह 1 रखेंगे, क्योंकि dy upon dx at x equal to 1 पूछा है, इसमें 1 रखा तो 10 pi by 4, 10 pi by 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक ना, और 4 upon pi की पावर 1 पर 4 upon pi की पावर देंगे तो वो 1 ही आएगा, ओके। यहाँ पर रखा हमने 1 तो 4 upon pi, यहाँ पर 1 रखा तो sec square pi upon 4, 10 pi upon 4, pi upon 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, फोर अपॉन पाई पाई अपॉन फोर कैंसिल हो गया, ओके। यहाँ पर भी हमने क्या रख दिया, बन रखा, यहाँ पर बन रखा, ओके, दिस इज वन स्क्वायर, ओके। अब ये वैल्यू रखी गई है सेक रूट टू, सेक पाई बाई फोर कितना होता है रूट टू, तो स्क्वायर लग जाएगा, टेन पाई बाई फोर वन होता है तो वन, माइनस फोर अपॉन पाई टेन पाई बाई फोर वन होता है तो लॉग वन, लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है, तो अपना आंसर कितना आ गया, टू आ गया, ओके। फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स व्हेन एक्स रेज टू पावर एक्स प्लस वाई रेज टू पावर एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ पर एक्स रेज टू पावर वाई है प्लस वाई रेज टू पावर एक्स इक्वल टू सी है, हमें dy अपॉन dx को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इस तरह के क्वेश्चन में हम तो फिर फंक्शन पर फंक्शन की पावर है, वेरिएबल पर वेरिएबल की पावर है, यहाँ पर वेरिएबल की वेरिएबल पर पावर है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सम हो रहा है, तो उसमें डायरेक्ट लॉग लेके नहीं कर सकते हैं हम, इसको यू सपोज कर लें u इक्वल टू एक्स रेज टू पावर y, v इक्वल टू y रेज टू पावर x, सो दिस बिकम u प्लस v इक्वल टू सी, तो क्या हो जाएगा, यू प्लस जी इक्वल टू सी हो जाएगा। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो होगा, सी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पर जीरो होगा, हमने इसे एक्स के रिस्पेक्ट में क्या किया, डिफ्रेंशिएशन किया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो दिस इज डी यू अपॉन डी एक्स, दिस इज डी वी अपॉन डी एक्स, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ c इक्वल टू जीरो होगा, ओके। इसको हम बन ले लें, क्या ले लें, बन ले लें हम इसमें इस वैल्यू को, इससे हम डी यू अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे, इससे डी वी अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे, और उसको हम इस इक्वेशन में पुट करके फिर डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग यू
इक्वल टू लॉग एक्स रेज टू पावर वाई, लॉग यू इक्वल टू वाई इंटू लॉग एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, दिस इज वन अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, लॉग यू का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स होगा, इसमें प्रोडक्ट फॉर्म लगेगा वाई डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी अपॉन डी एक्स वाई, दिस इज वन अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, सो डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, अंडरस्टूड? नाउ कंसीडर दिस ही इक्वल टू वाई रेज टू पावर एक्स, नाउ ही इक्वल टू वाई रेज टू पावर एक्स टेकिंग लॉग बोथ साइड। ओके, बोथ साइड दिस इज लॉग ही इक्वल टू लॉग वाई रेज टू पावर एक्स, लॉग ही इक्वल टू लॉग वाई रेज टू पावर एक्स, लॉग ही इक्वल टू एक्स इंटू लॉग वाई, लॉग ही इक्वल टू एक्स इंटू लॉग वाई। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो दिस इज वन अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स एक्स, जो कहता हूं डी अपॉन डी एक्स लॉग वाई प्लस लॉग वाई डी अपॉन डी एक्स एक्स हो जाएगा। ओके, प्रोडक्ट फार्मूले का यूज किया गया है यहां पर। नाउ दिस इज वन अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स एक्स, लॉग वाई का क्या होगा डिफ्रेंसिएशन, वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, दिस इज लॉग वाई इंटू वन। ओके, अंडरस्टूड? अब दिस इज डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी, दिस इज एक्स अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग वाई, एक्स अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग वाई। अब हम यहां पर वी की वैल्यू भी रखेंगे, सो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी इज वाई रेज टू पावर एक्स, दिस इज वाई रेज टू पावर एक्स एक्स अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग वाई, क्या होगा ये लॉग वाई। ओके, अब डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू हम किस में रखेंगे, इक्वेशन वन में रखेंगे, पुट इन इक्वेशन वन, पुट इन वन, पुट वैल्यू ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स एंड डी वी अपॉन डी एक्स इन वन, किस में रखेंगे, वन में रखेंगे इनकी वैल्यू को। ओके, पुट वैल्यू ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स एंड डी वी अपॉन डी एक्स इन वन। ओके, हम चाहें तो यहां यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स रेज टू पावर वाई लिख सकते हैं। ओके, अभी पुट करते हैं इसमें, सो दिस इज एक्स रेज टू पावर वाई वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई रेज टू पावर एक्स एक्स अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग वाई इक्वल टू जीरो। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, इस एक्स रेज टू पावर वाई का हम इससे इंटू करेंगे, तो दिस इज एक्स रेज टू पावर वाई इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर वाई
log x dy upon dx plus y raised to power x x upon y dy upon dx plus y raised to power x log y equal to zero हो जाएगा। ओके अब ये dy upon dx वाले टर्म्स को हम एक साथ लिख लें, बाकी को कहां ले जाएं, राइट हैंड साइड में ले जाएं। तो ये है अपना y raised to power x log x dy upon dx प्लस, इसको हम सिंपलीफाई कर लेंगे भाई, बाय बेस, यहाँ पर बेस बाय है, इस पर पावर एक्स है, यहाँ पर बेस बाय है, तो ये दोनों सेम बेस है, तो पावर क्या हो जाएगी, सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, तो बाय एक्स रेस टू पावर माइनस वन बचेगा इन टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल। इसको हम इस तरफ ले जा रहे हैं, यहाँ पर इसका बेस एक्स है, इसका बेस एक्स है, इस पर पावर बाय है, इस पर पावर वन है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू पावर वाई माइनस वन इंटू वाय माइनस का माइनस वाई रेस टू पावर एक्स लॉग वाई माइनस वाई रेस टू पावर एक्स लॉग वाई हो जाएगा। अब डीवाई अपॉन डी एक्स को हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, दिस इज एक्स रेस टू पावर वाई इंटू लॉग एक्स प्लस x y raise to power x minus 1 equal to minus common ले लें, this is by x raise to power y minus 1 plus y raise to power x log y। ओके अब dy upon dx equal to माइनस, ओके दिस इज बाय रेस टू पावर एक्स बाय माइनस वन प्लस बाय रेस टू पावर एक्स लॉग वाई अपॉन दिस वन एक्स रेस टू पावर वाई लॉग एक्स प्लस एक्स बाय रेस टू पावर एक्स माइनस वन। So this is dy upon dx, this is the final answer। Okay, तो जब कभी भी फंक्शन पर फंक्शन की पावर हो तो आपको पता है कि हम कैसे करते हैं, लॉग लेके पहले लॉग लिया जाता है फिर उसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है। अब फंक्शन पर फंक्शन की पावर प्लस फंक्शन पर फंक्शन की पावर हो तो हम उसे अलग अलग करते हैं, ओके सेपरेट तरीके से उसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है। जैसे इसमें इसको हमने पहले यू ले लिया, फिर इसको हमने भी ले लिया, तो ये यू प्लस भी इक्वल टू सी हो गया, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया। अब इसका हम सेपरेटली डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी यू अपॉन डी एक्स निकालेंगे इससे सेपरेटली, इससे सेपरेटली डी वी अपॉन डी एक्स निकालेंगे, फिर उस इक्वेशन में रख के हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स को फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को किया जाता है। ओके If okay, y equal to e raised to power x minus y, so that dy upon dx equal to y upon y plus 1. And if y equal to log x raised to power x plus cosec square x, find dy upon dx. Okay, पहले वाले में हमें प्रूफ करना है कि dy upon dx इक्वल टू बाय अपॉन बाय प्लस वन। टेकिंग लॉग सो लॉग बाय इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ई रेस टू पावर एक्स माइनस वाई, लॉग बाय इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू लॉग ई, लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, वन होती है, तो लॉग वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, ओके इक्वल टू वन माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इस डी वाई अपॉन डी एक्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे,
तो वन अपॉन बाय डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन। डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लेंगे तो वन अपॉन बाय प्लस वन इक्वल टू वन। ओके एलसीएम ले लेंगे इसका हम डी वाई अपॉन डी एक्स दिस इज बाय वन प्लस वाई इक्वल टू वन। ओके इससे हमें क्या पता चलता है, ये पता चला डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन वन प्लस वाई, बस इम्प्रूव हो गया। ओके डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस वन अपॉन वाई। सबसे पहले हमने क्या किया टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड दोनों तरफ क्या लिया लॉग लिया। ओके सो लॉग वाई इक्वल टू लॉग दोनों तरफ लॉग लगा दिया। अब ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस वाई कहा इसके सामने आ जाएगा, जो पावर होती है वो लॉग के सामने आती है। सो लॉग वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई लॉग ई लॉग वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स का वन वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाए वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस इक्वल टू वन। ओके तो अपना ही क्या हो गया आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट दिस इज y इक्वल टू लॉग एक्स रेज टू पावर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके सो y इक्वल टू लॉग एक्स रेज टू पावर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, इसमें हम t ले लेंगे एक्स रेज टू पावर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स को हम क्या ले लिया t ले लिया, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा लॉग t और डी वाई अपॉन डी टी होगा वन अपॉन टी। क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी वन अपॉन टी। अब हमें इस टी का डिफ्रेंसिएशन करना है डी टी अपॉन डी एक्स निकालना है। यहां पर फंक्शन की पावर है और साथ में प्लस लगा हुआ है तो हम डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते, हमें यू लेना पड़ेगा यू इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स और वी इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा कोसेक स्क्वायर एक्स लेना पड़ेगा। लेट सब कुछ कर लिया गया तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा u प्लस v और डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स होगा। क्या होगा ओके अब इससे हम डी यू अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो लॉग यू इक्वल टू क्या होगा लॉग एक्स रेज टू पावर है, इसका हमने लॉग लिया दोनों तरफ। ओके सो लॉग यू इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इसको डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वन अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे वन तो डी यू अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा यू वन प्लस लॉग एक्स। यू की वैल्यू रख देंगे हम यू की वैल्यू क्या है एक्स रेज टू पावर एक्स दिस इज एक्स रेज टू पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स हो जाएगा दिस इज डी यू अपॉन डी एक्स। अब डी वी अपॉन डी एक्स तो सिंपल है हम उसे फाइंड आउट कर लेंगे ठीक है ना। देखो डी वी अपॉन डी एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है हमें तो टू कहां पर आएगा सामने आएगा पावर कम हो जाएगी तो कोसेक टू कोसेक एक्स बचेगा। हम कोसेक एक्स का फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स होगा। कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स होता है सो दिस इज माइनस टू कोसेक स्क्वायर एक्स कोट एक्स माइनस टू कोसेक स्क्वायर एक्स कोट एक्स दिस इज डी वी अपॉन डी एक्स आ गया। क्या आ गया ये डी वी अपॉन डी एक्स आ गया। ओके तो हम अब डी टी अपॉन डी एक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं किसको फाइंड आउट कर सकते हैं डी टी अपॉन डी एक्स को देखिएगा। ओके सो डी टी अपॉन डी एक्स क्या होगा डी टी अपॉन डी एक्स होगा डी यू अपॉन डी एक्स दिस वन इज डी यू अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स माइनस टू
कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कोट, दिस इज डी टी अपॉन डी एक्स। अब हमें क्या चाहिए है, हमें चाहिए है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो वो कैसे निकलेगा, डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, इसका और इसका हम क्या करेंगे इंटू कर देंगे। ओके तो दिस इज वन अपॉन टी, वन अपॉन टी हो गया और इसका इंटू करेंगे तो इसे हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ओके एक्स रेज टू पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स माइनस टू कोसेक स्क्वायर एक्स कोट एक्स। ओके अंडरस्टूड। इसके बाद हम वैल्यू रख लेंगे उसकी, ठीक है ना, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे इस तरफ आते हैं ना, टी की वैल्यू रखेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स होगा वन अपॉन टी। अब टी किसको माना था हमने, इसको सपोज किया था टी, तो दिस इज एक्स रेज टू पावर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स ओके माइनस टू कोसेक स्क्वायर एक्स कोट एक्स। तो दिस इज द आंसर, क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का। ओके अंडरस्टूड।